मीडिया है उसे तो हमने गोदी में बैठा ही लिया है, गोदी मीडिया बना ही दिया है, लेकिन अब एकमात्र तबका, क्योंकि पूरे देश के अंदर डॉक्टर्स नहीं बोल सकते इनके खिलाफ, पूरे देश के अंदर पुलिस वाले नहीं बोल सकते इनके खिलाफ, फौजी नहीं बोल सकते इनके खिलाफ, क्या महकमा क्या बचा? केवल और केवल एक वकालत का महकमा बचा जो देश के अंदर किसी दबके नहीं रह सकता। आज हमें जंतर मंतर पर, जंतर मंतर में वकील जो कि लोगों को इंसाफ दिलाते हैं, आज वो धरना प्रदर्शन पे आए हैं, तो हम इनसे जानना चाहेंगे क्या कारण है कि जिसकी वजह से उन्हें धरना प्रदर्शन पे आना पड़ा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए हम वकीलों का कार्य है समाज के अंदर सामाजिक चेतना को बनाए रखना, और उस सामाजिक चेतना को जान से मार देने का काम ये सरकार कर रही है, कैसे भी करके हमारा गला घोट देना चाहती है। चाहती है कि इस देश की जो मीडिया है उसे तो हमने गोदी में बैठा ही लिया है, गोदी मीडिया बना ही दिया है, लेकिन अब एकमात्र तबका, क्योंकि पूरे देश के अंदर डॉक्टर्स नहीं बोल सकते इनके खिलाफ, पूरे देश के अंदर पुलिस वाले नहीं बोल सकते इनके खिलाफ, फौजी नहीं बोल सकते इनके खिलाफ, क्या महकमा क्या बचा? केवल और केवल एक वकालत का महकमा बचा जो देश के अंदर किसी से दबके नहीं रह सकता, क्योंकि वो महकमा ही ऐसा बनाया गया है कानून मंत्री बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर ने, ये महकमा ही ऐसा बनाया था कि ये भविष्य के अंदर भविष्य की कूटनीतियों को सिद्धित करेगा। तो ये चाह रहे हैं कि अब कैसे भी करके इन वकीलों का भी गला घोट दिया जाए, तो ये इनके ऊपर तमाम अत्याचार करवा रहे हैं, पुलिस से लाठियां चार्ज करवा रहे हैं, गोलियां चलवा रहे हैं, तमाम चीज़ें करवा रहे हैं, आप देख ही रहे हैं आज हाल फिलहाल में क्या चल रहा है। तो हमारा ये जो आज का प्रोटेस्ट है ये इसलिए है कि हम चाहते हैं कि समाज के अंदर एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट आए, तो ताकि एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट आने के बाद समाज के अंदर एडवोकेट्स अपनी और भी अधिक क्षमता से एडवोकेसी कर सकें, और वो एडवोकेसी किसके हक में होगी? वो एडवोकेसी आप जनता के हक में होगी, आम गरीबों के हक में होगी, क्योंकि उनके अधिकार उन तक क्यों नहीं पहुँच रहे हैं? सरकार अगर वहाँ पर पैसा सैंक्शन कर रही है तो RTI लगा के कौन पूछेगा कि ये पैसा उन तक क्यों नहीं पहुँच रहा है? सरकार यही तो चाहती है ना कि RTI वाले ही कहीं अरब सागर में बंद बूंद के मरमरा जाए सारे के सारे, क्योंकि कौन लगाता सबसे ज़्यादा RTI? सबसे ज़्यादा RTI हमारे साथ वकील साहब लगाते हैं। तो अब ये सब रीज़न है इनके, तो सरकार चाहती है कि इन सब चीज़ों को जल्दी जल्दी इनका दमन किया जाए, तो दमनकारी जो रवैया अपना रही है, क्योंकि देखिए दो ही तरीके हैं इस देश के अंदर, पहली शिक्षा से आप बोल सकते हैं, दूसरा है वकालत से आप बोल सकते हैं, वकालत में भी शिक्षा ही चाहिए होती है, लेकिन देखिए वकालत को तो किस तरीके से दमन किया जा रहा है आप देख ही रहे हैं, और शिक्षा का कैसे दमन किया जा रहा है JNU से अच्छे हालातों में दिख जाएगा आपको। बच्चों के ऊपर लाठियां चलाई जा रही हैं, बताइए कभी किसी टाइम में जनरल डायर ने लाठियां गोलियां चलवाई थी, तो आज ये लोग बच्चों पर लाठियां चलवा रहे हैं, वो भी MBA के बच्चों पर, और बोल क्या रहे हैं इन लोगों के भक्त टाइप जो लोग हैं वो बोल रहे हैं 30-30 साल हो जाते हैं, आप एक बात बताइए हमारे देश का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके का है कि आप कभी 30 साल से पहले PhD कर ही नहीं सकते, नहीं तो देश के अंदर 10 बच्चे ढूंढ के दिखा दीजिए जिन्होंने PhD कर रखी हो, इनके ये अपने वालों में से ढूंढ के दिखा देंगे भाई जिन्होंने PhD करी है, मतलब मोदी साहब 35 साल की उम्र में MBA कर सकते हैं, बच्चा 30 साल की उम्र में PhD नहीं कर सकता है। तो ये एक समाज के अंदर एक प्रोपागेंडा फैलाने की कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से बर्बाद कर दो उस इंस्टीट्यूशन को जो इस सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहा है, तो यही काम हम एडवोकेट्स के साथ हो रहा है। तो हम इस चीज को प्रोटेक्शन के तौर पर बोल रहे हैं कि हमारे को सरकार जल्द से जल्द ड्राफ्ट बना के दे, सुप्रीम कोर्ट आदेश कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट तो कह रहा है, हमने पिटीशन डाल भी रखी है, काम आगे चल रहा है, हम लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज हमारे साथी इतने सारे अरुणाचल प्रदेश से, तेलंगाना से, आंध्र प्रदेश से, दिल्ली से, हमारे हरियाणा से, पंजाब से, तमाम वकील साथी यहां पर हैं देखिए आप। तो लेकिन ये है कि ये चीजें आगे चलती रहेंगी तब, क्योंकि इस देश के अंदर कम से कम 20 से 25 लाख वकील है ऑन रिकॉर्ड, जो आज की डेट में जो बाहर से एनरोल्ड है तो 20 से 25 लाख वकील है। मैं कहना चाहता हूं कि अगर वो वकील अपनी अपनी क्षमताओं को पहचान ले और देख ले कि हाँ समाज के अंदर वकीलों के क्या हालात हैं, किस प्रकार से कोई भी दो कौड़ी का गुंडा मवाली आकर के वकीलों को जान से मार के चला जाता है, कोई भी नालायक व्यक्ति नेतागिरी के नाम पर वकीलों को कुछ भी बोल जाता है, कोई भी वकीलों को गोली मार देता है, बताइए आप। तो इस तरीके की बातें समाज के अंदर चल रही हैं, और अगर ये वकालत सुरक्षित नहीं रहेगी तो आप विश्वास मानिए कि इस देश के अंदर लोगों के हक हुकूक सुरक्षित नहीं रहेंगे, SC ST OBC और माइनॉरिटी जो इस देश के सबसे दमनकारी तबके रहे हैं अब तक के, जिनका दमन सबसे ज्यादा हुआ है समाज के अंदर, तो उन लोगों की तो कोई सुनवाई ही नहीं रहेगी। आप सही बताएं तो हम आपको, क्योंकि आज भी मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, उड़ीसा के अंदर 20 लाख लोगों को विस्थापित कर दिया जाता है, आंध्र प्रदेश के अंदर लाखों लोगों की जमीन हड़प ली जाती है, और उन लोगों को अगर वो आवाज़ उठाते हैं अपनी जमीन के लिए वो आदिवासी लोग, तो उन्हें नक्सली बताकर मार दिया जाता है, उनकी माताओं बहनों के साथ बलात्कार किया जाता है। तो बताइए आप किस प्रकार के राज्य के अंदर रह रहे हैं, वो किस हक से कहेंगे कि भारत हमारा देश है? बताइए, हम गर्व करते हैं अपने भारत देश की मिट्टी पर कि हम इस देश के बेटे हैं, आप इस देश की बेटियां हैं, या हम सभी इस देश के नागरिक हैं, बट सरकार उस तरीके से चीज़ों को इंप्लीमेंट करे, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव के अम्बेडकर के संविधान के द्वारा उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करे, जो तमाम चीज़ें, जो तमाम हक इन लोगों के लिए, जो दमनकारी तबकों ने जो अब तक दमन करा
हम पीछे की बातें भूल गए, लेकिन अब तो कम से कम ना करें, अब तो कम से कम इन्हें विस्थापित ना करें, अब तो दलितों को कम से कम घोड़ी पर चढ़ने से ना रोके, अब तो कम से कम महिलाओं को पेट में ना मारे, बेटियों को पेट में ना मारे। अभी हाल फिलहाल का आपका बयान, ये एक व्यक्ति है यहाँ का कोई बागपत साइड का, तो वो बोलता है कि हम बेटियाँ पैदा ही नहीं होने देंगे। बताइए आप 2019 में जी रहे हैं आप, 2019 जब पूरी दुनिया की बेटियाँ वहाँ चांद पर जाने को तैयार हैं, बड़े बड़े दूसरे बड़े बड़े रिसर्च करने को तैयार हैं, बड़े से बड़े ओहदों पर आज समाज की बेटी बैठी है, अपने बलबूते पर अपनी काबिलियत के दम पर बैठी है, और एक आदमी कह रहा है कि हम लोगों को समझाएंगे कि आप बेटियाँ ही पैदा ना करें। बताइए क्या इस समाज के अंदर यह उन लोगों के उससे चलेगा क्या समाज? बताइए आप, यह संविधान से चलेगा, भारतीय संविधान से चलेगा इस देश के अंदर? मैम मैं बताना चाहता हूँ आपको कि 130 करोड़ लोग हैं, और 130 करोड़ लोगों में से कम से कम 90 करोड़ को तो यही नहीं पता कि हमारे देश का असली नाम क्या है। सही बताऊं तो आपको, हिंदुस्तान करते घूमते हैं वो लोग, हमारे देश का असली नाम ही भारत है, वो लोग यही नहीं जानते। अभी संविधान की बात की, तो संविधान को बदलने की कोशिश की जा रही है, तो इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए संविधान को तो बदलने की कोशिश की जा रही है, और बहुत हद तक बदल भी दिया गया है, क्योंकि हम लोग संविधान पढ़ते हैं, हमें पता है कि कितने ही चेंजेस ये लोग ऐसे ला चुके हैं। क्योंकि पहले क्या होता था, मान लीजिए एक कोई महकमा है, उसके अंदर 1000 बच्चों की भर्ती जानी है, तो उस महकमे के अंदर कम से कम भाई 150 SC होते थे, 150 OBC होते थे, 150 ST होते थे, मुस्लिम होते थे, कुछ इस तरीके से बंटवारा हो जाता था चीज़ों का, कि सब तक समाज के हर तबके तक चीज़ें पहुँचें। लेकिन अब क्या हो रहा है कि मान लीजिए महकमा है, इसका प्राइवेटाइजेशन कर दिया है, ये ठेके पर जाएंगी सारी सीटें। अब बताइए बच्चों को नौकरी नहीं मिलेंगी तो कैसे समाज के अंदर बच्चा आगे बढ़ेगा? क्या हम सब अडानी अंबानी के नौकर बन के रह जाएं? बताइए आप, गले में पट्टे डलवा देंगे अपने समाज के लोगों के? पूरे देश के जो युवा वर्ग है, जो इतना कैपेशियस, मतलब इस हद तक कैपेबिलिटी रखता है हमारे देश का युवा, कि अगर उसकी काबिलियत को पहचान लिया जाए तो मुझे लगता है ये चीन, चाइना, जापान, वियतनाम, कंबोडिया सब हमारे से पीछे रह जाएंगे, बशर्ते काबिलियत पहचाने तो सही कोई। ये हम लोगों पर भरोसा करने को तैयार नहीं है, FDI कर रहे हैं, देश के अंदर ले आए हैं दुनिया भर की चीज़ें, कोई हमारे, मतलब हमारे देश के बच्चों पर भरोसा ना करके विदेशों पर भरोसा कर रहे हैं। और आपको एक और खबर बता दूं साथियों, अभी 50 किलोमीटर अंदर तक चाइना घुसाया, अभी 2 दिन पहले की खबर है, 50 किलोमीटर अंदर तक आकर के चाइना ने पुल बना दिया है वहाँ पर। समाज के, मतलब मीडिया के ऊपर से खबर ही गायब है वाली, पूरी की पूरी मीडिया के अंदर खबर ही नहीं चल रही। 50 किलोमीटर अंदर तक चाइना आ चुका है, तमाम एजेंसियों ने कन्फर्म कर दिया है इन चीज़ों को, सरकार सोई हुई है। बताइए आप, तो ये तो एक तरीका प्रोपेगेंडा चला रहे हैं ताकि इनकी सरकार बनी रहे, और ये जैसे तैसे, और सरकार को चुनौती कौन देता है? एकमात्र महकमा है वकीलों का। बताइए अगर इसके अलावा कोई देता है तो? डॉक्टर्स स्ट्राइक करते हैं, उन्हें पीट देते हैं, पुलिस वाले स्ट्राइक कर नहीं सकते, फौजी स्ट्राइक कर नहीं सकते, दुनिया भर के जो सरकारी कर्मचारी, उन्हें मतलब नहीं किसी से, क्योंकि उनके 80-90 हज़ार रुपये की सैलरी आ रही है, मस्त अपना आराम से जीवन जी रहे हैं वो, उन्हें क्या लेना क्या देना गरीब आदमी से? अब गरीब आदमी तो बेचारा रात दिन मेहनत करके भी पिस रहा है, रात दिन मेहनत कर करके ही पिट रहा है, जाति के आधार पर पिट रहा है, फिर आर्थिक आधार पर पिट रहा है, फिर पढ़ाई के आधार पर पिट रहा है, बोल रहे हैं कि 10 रुपये से 300 रुपये कर दिया है। जी न्यूज़ नाम का एक चैनल है, सुधीर तिहाड़ी करके एक व्यक्ति है उसका, तो वो बोलता है कि 10 रुपये से 300 रुपये फीस कर दी है। उस व्यक्ति ने ये नहीं बताया कि टोटल फीस बढ़ा करके 60 से 65 हज़ार हो गई है। मैंने उसका पूरा, मैं कभी उसका चैनल नहीं देखता, मुझे पता है कि ये हगेगा ही हगेगा सारी चीज़ें, तो तो इस तरीके, क्योंकि ये बदतमीज लोग तो हैं ये लोग, तो वो जो भी बात बोलेगा वो सब हमें पता है किस फेवर में जानी है, तो मैंने आज तक उसका चैनल नहीं देखा। लेकिन JNU वाले मुद्दे पर मैंने उसका चैनल देखा, और मैंने देखा कि कब ये बात बोलेगा कि जो टोटल फीस 20 से 22 हज़ार रुपये थी JNU की, वो अब बढ़कर के 60 से 65 हज़ार हो गई। उनने ये बात नहीं बोली, हर बात बात पे 10 रुपये से 300 दे दिया, 300 नहीं दिए जा रहे, ये आईफोन चला रहे हैं। अरे तुम नहीं चाहते समाज के बच्चे आईफोन चलाएं? अरे भारत देश के बच्चे हवाई जहाज़ों में घूमें, हेलीकॉप्टर में घूमें, अरे तुम्हें तो अच्छा लगना चाहिए ना, तुम्हें बुराई क्यों लग रहा है इस बात का? तो ये बातें हैं तमाम तरीके की, तो मैं चाहता हूँ कि ये समाज जागरूक बने, और ये जागरूकता का काम इस देश के वकीलों को लेना होगा। अगर वकीलों ने ये काम नहीं लिया तो विश्वास मानिए समाज के अंदर दोबारा से मनुस्मृति लागू हो जाएगी। आप जानते हैं मनुस्मृति के अंदर अधिकार किस हद तक लिमिटेड कर दिए गए थे, बेटियां पढ़ नहीं सकती थी, विधवा विवाह नहीं हो सकता था, बच्चे पढ़ नहीं सकते थे, दलित तो गली में नहीं निकल सकते थे, दलितों का गली तक निकलने में बैन कर दिया गया था, उनके पीछे झाड़ू तक बांध दी गई थी, और फिर आज ये लोग कहते हैं कि आप बराबरी का रेस करिए, आप आरक्षण ले रहे हैं, और ये दुनिया भर की बातें बोलते हैं। तो दलितों की जब बात करते हैं तो बी आर अम्बेडकर, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी दलितों को, दलितों वाली मानस उससे निकालने के लिए, लेकिन फिर भी आप दलित दलित करते हैं, तो आपको क्या लगता है सही है दलित करना? देखिए दलित करना तो बिल्कुल भी सही नहीं है, चूँकि एक बहुत बड़ी थ्योरी है इसके पीछे, हम लोग सभी मूल निवासी हैं, लेकिन अब समाज ने एक माहौल ऐसा बना दिया है कि आपको
नहीं टैग लगा करके भी नहीं घूमेंगे आप। समाज ने एक माहौल ही ऐसा बना दिया है कि अगर आप वंचित समाज कहेंगे तो समझेगा नहीं किसे कह रहे हैं, आप कुछ और कहेंगे मूल निवासी कहेंगे तो कहेंगे कौन मूल निवासी। अरे हम लोग तो इस देश के सिंधु घाटी सभ्यता वाले लोग हैं ना, हम लोगों ने तो इस देश के अंदर 4000 साल पहले का इतिहास है यार। अभी मोहनजोदड़ो के अंदर एक शव मिला है, उसकी हड्डियाँ इस देश के दलित एस सी एस टी और ओबीसियों से मिलती है पूरी पूरी। तो हम हार रहे थोड़ी, हम बाहर से थोड़ी आए थे। तो हाँ दलित शब्द देखिए, दलित शब्द पे मैंने देखा भी, मैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का मैंने जजमेंट भी पढ़ा इसके ऊपर कि क्यों ना इस शब्द को बैन कर दिया जाए, लेकिन देखिए उस पर चल रहा है काम। और मुझे लगता है आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि हमें क्यों ना इस दलित शब्द को छोड़ करके वंचित समाज कह देना चाहिए या फिर मूल निवासी समाज कह देना चाहिए, तो इस तरह की बातें करनी चाहिए। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।